हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप में से एक आर्मी ने मुझसे 3 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या वी और जेनिंग की ब्रेकअप वाली बात सच है। तो सबसे पहले सॉरी वीडियो देर से बनाने के लिए, और अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो बीटीएस के मेंबर की डेटिंग रूमर हर महीने किसी न किसी के साथ आते रहते हैं, और ये सभी रूमर्स फेक होते हैं। पर वी और जेनी का डेटिंग रूमर कई सालों से चलता आ रहा है, पर इनके रिलेशन पर कोई भी कॉन्फर्मेशन आज तक बिगिट या वाईजी की तरफ से नहीं आई है। पर 6 दिसंबर को अचानक से ही सोशल मीडिया पर वी और जेनी की डेटिंग की नहीं बल्कि ब्रेकअप की न्यूज वायरल होनी स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, ये सब स्टार्ट हुआ था 6 दिसंबर को JTBC की वजह से, जब JTBC ने 6 दिसंबर को अचानक से ही वी और जेनी के ब्रेकअप की रिपोर्ट शेयर कर दी। और JTBC की बेकूफी तो देखो, इन्होंने खुद ही अपने रिपोर्ट में लिखा है कि इसे YG और बिगिट ने कंफर्म नहीं किया है। मतलब जब कंपनी ने ये कहा ही नहीं है कि वी और जेनी का ब्रेकअप हो गया है या उनका रिलेशनशिप चल रहा है, तो इस तरह की रिपोर्ट JTBC ने क्यों बनाई पता नहीं। एंड इसी के साथ इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद दुनिया भर के मीडिया इस पर आर्टिकल पोस्ट कर रहे थे कि वी और जेनी का ब्रेकअप हो गया, वी और जेनी का ब्रेकअप हो गया। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि इन रिपोर्ट्स पे ट्रस्ट करने की जगह आप सभी वी पर ट्रस्ट करो। और वैसे भी आज तक बिगिट ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है कि वी और जेनी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो जब इन दोनों की डेटिंग ही नहीं शुरू हुई है तो ब्रेकअप कैसे ही होगा। एंड इसी के साथ ज्यादातर इनके डेटिंग रूमर तभी सामने आते हैं जब हाइप या YG कंपनी को फैंस से हेट मिल रही होती है, तो फैंस का ध्यान भटकाने के लिए कंपनी डेटिंग रूमर वायरल कर देती है। तो इसीलिए अब बहुत से लोगों का मानना है कि वी और जेनी का डेटिंग रूमर कंपनी ही फैलाती है खुद को बचाने के लिए। और इसी के साथ 6 दिसंबर को इस न्यूज के आने से पहले YG की तरफ से एक और न्यूज आई थी कि ब्लैकपिंक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है और ब्लैकपिंक अपना एक और ग्रुप एल्बम बनाएंगी। फिर इसके बाद वी और जेनी के ब्रेकअप की न्यूज सामने आई थी। तो दोस्तों, इन सब बातों में ध्यान ना दो, वी और बिगेट पे ट्रस्ट करो। अगर इनकी डेटिंग सच्ची होगी तो टाइम आने पर वी हमें खुद ही बता देगा। और वैसे भी अब तो वी 1.5 साल तक मिलिट्री में रहेगा, तो अच्छा है कि वी कुछ टाइम तक इन डेटिंग रूमर से बच के रहेगा। तो अगर मैं इस पर मेरे व्यूज शेयर करूं, तो मेरे लिए ये न्यूज फेक है। मुझे वी और जेनी के रिलेशन में कोई सच्चाई नहीं लगती है, मुझे तो वी और जेनी की डेटिंग फेक लगती है। तो आपके इन सब पर क्या व्यूज है मेरे साथ कॉमेंट में जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।